गैर मुस्लिम था, तो कहने लगा मेरे कुछ सवालों के जवाब में पर किसी ने दिए नहीं कभी। तो जब उसने आके बहुत बड़ा दावा किया कि अगर कोई मेरे सवाल का जवाब दे तो मैं मान जाऊं, तो फिर मुसलमानों ने कहा कि नहीं, तूने बड़ा ही दावा कर दिया, तू तो शाही कोई नहीं, वहां तो बड़े बड़े मान गए, तू आ हमारे साथ। हजरत मौला अली शेर खुदा के पास ले गए तो उसने बड़े बड़े मुश्किल सवाल किए। पहली बात वो कहने लगा आप मुझे दो ऐसे दोस्त बताएं जिनमें कभी लड़ाई नहीं हुई। तो हजरत अली कहने लगे तू तो बड़े दावे कर रहा था कि मैं बड़े लंबे सवाल पूछूंगा, वो दो दोस्त जिनमें कभी लड़ाई नहीं हुई वो जिस्म और रूह हैं, हैं भी इकट्ठे साथ रहते दोस्त भी हैं पर कभी आपस में लड़ाई, बड़े बड़े गुनाह करता है जिस्म पर रूह नाराज नहीं होती, वो साथ ही रहती है। उसकी आंखें खुल गई, उसको तो कभी जवाब ही नहीं मिला था। कहने लगा अच्छा वो दो ऐसे दोस्त फिर बताएं जिनमें कभी सुलह नहीं हुई। तो फरमाया वो मौत और हयात है, जब मौत आती है तो फिर जिंदगी बाकी इनकी सुलह नहीं हो सकती, इकट्ठे रह ही नहीं सकते। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा ये तो कमाल हो गई, अब ज़हन खुल गया। कहने लगा जी और पूछ लूं, पर मैं तेरा ही दावा था दो पूछने, मैं तैयार हूं तू 100 भी पूछ। कहने लगा वो बीबी जिसने चंद लम्हों में बच्चा पैदा कर दिया, फरमाया ये भी कोई मुश्किल बात है? वो हजरत मरियम है, एक मिनट में हामला हुई थी, अगले मिनट में अल्लाह ताला ने उन्हें थोड़ी सी तकलीफ से गुजारा और अगले मिनट में हजरत ईसा पैदा हो गए, कोई मुश्किल बात है? कहने लगा जी वो दो चीजें जो हरकत नहीं करती। फरमाया यार जल्दी पूछ, टाइम ना जाया कर, जल्दी पूछ। वो दो चीजें जो हरकत नहीं करती वो जमीन आसमान है। उसने कहा वो दो चीजें जो ठहरती नहीं, फरमाया वो सूरज और चांद है जो हरकत ही करते रहते। कहने लगे अच्छा वो बताएं जी जो खा तो बड़ा कुछ किया पर पिया उसने कुछ भी नहीं। तो हजरत अली फरमाने लगे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, जादूगरों के सांप सारे ही खा गया पर पानी का घूंट भी नहीं पिया, हद हो गई। वो शख्स कहते अली के जवाब ने, मौला अली शेर खुदा के जवाबात ने मेरे अंदर हिजान पैदा कर दिया। मैंने फौरन कहा बताएं वो शख्स जो कोई शय नहीं। तो हजरत अली कहने लगे जो मेरे नबी का कलमा ना पढ़े वो कोई शय नहीं। कहने लगे वो बताएं जो बड़ी शय हो, फरमाया जो चाहे कि उसकी इज्जत काबे से भी ज्यादा हो जाए और वो बड़ी शय बन जाए तो वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ जाए। काफिर कोई शय नहीं और मोमिन है बड़ी शय। उसने हाथ आगे बढ़ाया, कहने लगा फिर पढ़ाइए मुझे भी कलमा।